अस्सलाम वालेकुम विवाद, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गंदम की रोटी के बारे में फायदा बताऊंगा कि बजट पैरस में गंदम की रोटी के क्या फ़ायदे हैं। तो ये जो है, मैंने रोटी ये रात को भिगो के रख दी थी पानी में, तो सुबह नरम हो गई, तो पानी निकाल के मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे। तो ये देखें, ये भी है, ये मैंने जो बोतल होती है हाफ लीटर शॉप की या कोई जो भी है, उसको काट के बैक साइड से उसका ये मैंने बनाया हुआ। तो ये होता है कि बजाय मैं नीचे रखने के, तो क्योंकि नीचे मैंने वेस्ट किया होता है रखने, तो वो फिर गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से जंग ज़्यादा होती है, तो वो बजाय फ़ायदा देने के नुकसान होता है चीज़ को। तो इसमें जो होते हैं विटामिन वगैरह, वो हैं आयरन, सेलेनियम, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, फॉस्फोरस, ये तमाम जो विटामिन इसके अंदर शामिल होते हैं। और इसके फायदे क्या है, कौन सा विटामिन क्या करता है, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने इनको ये रोटी डाली है, तो देखो कितना ये लाइक करते हैं इस रोटी को, क्योंकि ये शुरू से इसकी आदी हैं। ये देखें, ये कितने अच्छे तरीके से ये खाते हैं रोटी। ये देखें, इन्होंने ये जो मेरे पैर हैं, इन्होंने अभी अंडे दिए हैं और इसमें कुछ निकल आए हैं, तो वो दो दो तीन तीन मिनट के अभी, तो इसमें तीन पैर हैं इस केज में मेरे। तो ये देखिए, क्योंकि ये आप इसको पानी में भिगो के रखेंगे तो वो नरम हो जाएगी, तो वो चिप्स के लिए भी आसानी होगी और विटामिन सी में। तो मैंने आपको बताना था कि इन के विटामिन सी में कौन कौन से फायदे होती है। ये कितना लाइक करते हैं इसको, जो आयरन है इसमें, आयरन जो है वो खून की कमी को दूर करता है, तो जब खून की कमी नहीं होगी तो पैर आपका फिट रहेगा, और सारी बातें फिट रहेगा, तो वो एग्स भी वो सेहतमंद होंगे उसके, और चिप्स भी वो सेहतमंद निकलेंगे, और खुद भी वो हेल्दी रहेगा। इसमें सेलेनियम होता है, सेलेनियम जो बीमारियों से वो लड़ने में बहुत मुनासिब पैदा करता है, जैसे कैंसर वगैरह। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हाजमा ठीक रखता है, कार्बोहाइड्रेट। और इसके अलावा मैग्नीशियम होता है इसमें, प्रोटीन और कैल्शियम होता है। प्रोटीन और कैल्शियम मसल्स को ताकतवर करता है, यानी कि अगर मसल्स ताकतवर होंगे, पावरफुल होंगे, तो बॉडी में पेन नहीं होती, पेन बिल्कुल जो है अगर होगी भी तो इतना फील नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट वो मसल को ताकतवर करता है, इसमें फास्फोरस होता है, फाइबर होता है, और इसमें जो है बीपी, अगर बीपी के मराज में के जो अग्रेसिव पैरेड होते हैं, तो ये गुस्से को, गुस्से वाली को जो कि कम भी करता है, तो ये कुदरती चीज़ ऐसी भी है। तो आपके पैट्स जो हैं वो अग्रेसिव नहीं होंगे, जैसे वो अग्रेसिव होंगे एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, दूसरे को जख्मी करते हैं, मार देते हैं, तो ये चीज़ नहीं होगी। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार नहीं होती, जिसकी वजह से दिल के मसले नहीं होते, तो ये भी बहुत बड़ी इसमें जो है वो अफादियत है। तो इसका इस्तेमाल आप अपने पेट को, अपने बजट पैरेट को ज़रूर करवाया करें, तो इससे आपके बजट पैरेट जो है वो बड़े हेल्थी रहेंगे। ये देखेंगे, अभी मैंने वहाँ से खाया और अपने चीज़ को फीड करवा रहे हैं यहाँ पे, ये देखें, एक चीज़ को फीड करवा रहे हैं, एक चीज़ वो बाहर है, अब एक चीज़ ये है, देखें ये इतना लाइक करते हैं इसको, क्योंकि मैंने इनको शुरू से ही चीज़ शादी किया हुआ है, तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और आराम से खा लेते हैं, कोई नखरा वगैरह नहीं करते। तो इसके आगे जो है वो ये रोटी स्टार्ट करवाएँ अपने पैरेट से।
में जो है वो, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि अंडों की तादाद और अंडे सेहतमंद होंगे, अंडों की तादाद कितनी है, इनके जो है वो बेबी वो कितने हेल्थी होंगे, ये देखिए ना ये अभी कितना हेल्थी माशाल्लाह, ये देखिए ये भी कितना हेल्थी है। अभी ये तो बाहर आने वाला है, हो सकता है कि दो तीन दिन तक बाहर आ जाए, ये तो बाहर आ रहा है माशाल्लाह। ये अभी ठीक है बच्चा है अभी तो कितना माशाल्लाह, ये देखिए ये भी एक बाहर आने वाला दो तीन दिन तक आ जाएगा बाहर। तो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तो मुझे अपने होस्ट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।